टू फैमिली, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ मेरा ब्लॉग हो गया था मॉर्निंग से शुरू, तो यहाँ बस मैं लंच में आज बनाई हूँ बच्चों के लिए कचौड़ी, क्योंकि फरमाइश थी मानस की मम्मा आज कचौड़ी बनाना है। पहले से मूड नहीं था बनाने का, बट लास्ट में बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा आप लोगों को पता चलेगा। कैसा लगा कचौड़ी? कचौड़ी कैसा लगा? और किसकी फरमाइश थी, किसकी फरमाइश थी बनाने के लिए? ये किस? हम पराठा सब्जी लेके नहीं जाएंगे। क्यों? हम कुछ और लेके जाएंगे। कौन अच्छे बोला था? कौन बोला? आने तो दो। हाय करो। हाय बाय। आज कितना भारी है बैग, ये सोचो पहले। आज मानस का बैग बहुत भारी है। मानस का न्यू बैग आ गया है, कल परसों आया है ना। हाँ, आज बैग पूरा बहुत भारी है, क्योंकि पूरा बुक और पूरी कॉपी लेके जाना है। पापा लेके जाए, रख दें। बाय बेटू। बाहर सब छर्री बालू ईटा सब रखा है, बन रहा है घर। जी मेरे चले गए हैं और चल रही हूँ मैं अभी। इतना काम मिस करूँगी, क्योंकि काम कुछ भी नहीं हुआ है। और सुबह ना मुझे सूट करने का इतना भी टाइम नहीं मिला था कि मैं कुछ भी बना लूँ। ऐसे मैं बनाई थी कचौड़ी, तो सोचे थे रेसिपी शेयर करेंगे, लेकिन एक सेकंड का भी टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं शेयर करूँ। और अभी बज रहे हैं 6:40 और बैन आ गई मानस की। आप लोग समझ सकते हो 6:40 पे मतलब लंच भी रेडी करना और मानस को भी रेडी करना है। तो इसकी वजह से ना मैं वीडियो सुबह नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि 6:40 मतलब बहुत जल्दी हो जाता है। और अगर सिर्फ लंच ही बनाना हो, चलो ठीक है, वो खुद से रेडी हो जाएगा। खुद से भी नहीं रेडी हो पाता, बस इसीलिए नहीं हो पाता है। और यहाँ ये सब रखा है श्री मिंट और ये सब, और आंगन दिखाएंगे ना जब बन के रेडी हो जाएगा, फिर आप दिखाएंगे। अभी कुछ बन रहा है, तो जब बन के हो जाएगा रेडी फिर दिखाएंगे आप लोगों को। और आप सब ऐसे ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ देख सकते हो एकदम पिंपल कितना बड़ा निकला है। यहाँ सब जो गर्मी वाले दाने होते हैं ना, वो सब निकल आए हैं बहुत ज़्यादा। तो वो फिर मैं दिन में कुछ भी शूट नहीं की थी वहाँ से, फिर थोड़ा ऐसा काम हो गया था कि ब्लॉग नहीं बन पाया मेरा। हो सकता है इस टाइम मेरा शाम का ही ब्लॉग जाएगा, डे का नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत जल्दी काम ख़त्म करके फिर रूम में घुसना रहता है, क्योंकि ये सभी लोग आ जाते हैं लेबर मिस्त्री लोग। और यहाँ बस हो गया था शाम। और ये अरबी के पत्ते का किन किन लोगों के यहाँ बनता है और किन किन लोगों के यहाँ किन किन लोगों को अच्छा लगता है, वो लोग कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ बस मम्मी का मन था खाने का, तो अचानक से इनका मूड बन गया तो ले आई। पीछे लगा है बहुत सारा पत्ता, तो यहाँ बस पानी रख दिए थे, पहले से ही उबल रहा था, मतलब खूब अच्छे से गर्म हो गया था, और इसमें रख दिए थे। बस ये जो चलनी होती है ना, बस इसी में डाल के अच्छे से रख दिए थे। अभी जब तक ये पकेगा तब तक चाय बन के हो गया रेडी। हम और मम्मी पियेंगे चाय। रेड रेड मैं दिख रही हूँ? तो बस आगे वाले कमरे में बैठो ना, तो पूरा रेड है दीवार, तो इसमें बस रेड रेड ही देखो। और यहाँ बस चेक करने आ गए थे, तो बस यहाँ मैं चेक की ना तो हो गया था। ऐसे चाकू अगर डालो ना, अगर अच्छे से इस इधर से उधर हो जाए और लगे ना कुछ, तो समझ लो अच्छे से पक गया है। तो यहाँ एक पक गया था मतलब, और दोबारा से रख दिए थे जो पत्ता था, तो वो जब तक पक रहा है तब तक मैं पूरा बर्तन सेट करूँगी। और यहाँ बस मैं आ गई थी थोड़े टाइम के लिए ऊपर, कि यहाँ बस समझ लो शाम को मैं 10 से 15 मिनट आधे घंटे जो भी टाइम रहता है यहाँ बैठती ज़रूर हूँ, क्योंकि बस थोड़ा मतलब बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन यहाँ बैठने के बाद थोड़ा सुकून मिलता है। तो यहाँ बस डेली मैं बैठ के थोड़ा सा, शाम के टाइम मौसम भी अच्छा रहता है, तो यहाँ मैं अक्सर ही बैठती हूँ। तो बस यहाँ से बस छोटे छोटे पीसेस में इसे कट करेंगे। आप क्या, आपका इच्छा है तो आप तल भी सकते हो, तल लो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मैं तली नहीं हूँ, बस इसे तड़का देके और इसे अच्छे से बनाई हूँ।
तो तड़के में आप लहसुन और सूखा मिर्चा से तड़का दें और थोड़ी सी मेथी डाल के, तो टेस्ट सच में बहुत अच्छा आता है। बट मेरे यहाँ लहसुन भी नहीं खाया जाता और सूखा मिर्चा भी कभी नहीं आता है, मेरे यहाँ लाल मिर्च कभी भी नहीं आता है क्योंकि कोई खाता नहीं है। तो यहाँ बस हरा मिर्च और मेथी डाल के सिर्फ हम तड़का दे दिए थे। तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालें ताकि अच्छे से भुन जाए, रेड रेड सा हो जाए। तो मैं तेल डाली हूँ, देख सकते हो आप सब, काफ़ी तेल पड़ा है और यहाँ बस भुन भी गया था अच्छे से। तो लहसुन डाल के ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन जब खाया नहीं जाता तो क्या किया जाए। और यहाँ राजमा भी अच्छे से उबल गया था, साथ साथ में मैं रख के चली गई थी तो ये भी उबल गया था अच्छे से। बस मैं इसे तड़का दूँगी और फिर उसके बाद में फिर चल रहे हैं अपने बच्चों को देंगे खाने के लिए, क्योंकि वो खाएंगे नहीं। लेकिन ऐसा होता है ना कि हाँ खाएंगे एक दो ही, लेकिन ऐसा रहता है कि हाँ बस खाना है, मतलब एक्साइटेड रहते हैं लेकिन खाते बस एक दो ही हैं, क्योंकि उन लोगों को भी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस यहाँ थोड़ा थोड़ा मसाले डाल दिए थे जो भी मैं डेली यूज़ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाला वाला बना लो ना तो डेली, मतलब ज़्यादा मसाला भी नहीं खाना चाहिए, तो ज़्यादा मसाला वाला बना लो ना तो इस भी नहीं खाते हैं, राजमा हो या छोले हो कुछ भी, बस थोड़ा नॉर्मल मसाला ही पड़ता है। तो बस यहाँ टमाटर डाल दिए थे, अदरक का जो पेस्ट बना के रखे थे वो डाल दिए थे, अच्छे से मसाले भुन जाएंगे, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी राजमा। और जो मैं अरबी के पत्ते का बनाई हूँ ना, मैं उसी से कढ़ी भी बनाऊँगी, उससे कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। जो दाल से मम्मी बनाई है ना, लपेटी हैं वो अरबी का पत्ता, वही दाल थोड़ा सा बचा दी है, बस उसी का मैं कढ़ी भी बनाऊंगी, सच में बहुत टेस्टी बनता है उसका कढ़ी। तो यहाँ बस पानी डाल दिए थे राजमे में और थोड़ा सा नमक, कसूरी मेथी डाल के, और मैं इसे ढक दूंगी। जब तक ये पकेगा तब तक मैं चल रही हूँ अपने बच्चों के पास, क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि पूरा दिन वो लड़ते रहते हैं और अभी भी लड़ ही रहे थे, लड़ते लड़ते बाहर भी चले गए हैं। बस जब हम मतलब मारने के लिए बोलते हैं ना तो दोनों एक साथ बाहर भाग जाते हैं, ऐसा ही रहता है। उनको पता है ना कि हम बाहर जाएंगे नहीं ना, बस इसीलिए तुरंत बाहर भागेंगे। तो बस यहाँ डाल दिए थे और ये लेके चल रही हूँ, खाएंगे एक दो तो वो लोग खाएंगे और थोड़ा सा मैं खाऊंगी, और इसके साथ में चाय भी ले लिए हैं, क्योंकि चाय के साथ आप सब भी अच्छा आके खा लीजिए। हम लोग चल रहे हैं खाने, गर्मा गर्म। आओ बेटा, ये अभी खा, हैंड वॉश करके दोनों लोग आओ, हैंड वॉश करके आओ, हैंड वॉश करके आओ फिर खाओ। बहुत टेस्टी बना है, आप सब भी आगे खा लीजिए। ये सब खा लो, अभी चाय भी नहीं पिए थे ना। हाँ। तो ये खा लो, इसके साथ में चाय पी लो, अच्छा लगेगा। तो भी बच्चे खा ही रहते तब तक मैं चली आई हूँ यहाँ बस बनाने के लिए, क्योंकि अभी बनते बनते ना लगभग बज रहे हैं 8:30, और ये सब बनाते थोड़ा टाइम भी लगता है। बहुत जल्दी बनाने भी लगे थे लेकिन फिर भी उबला, फिर तड़का दो, ये बनाओ, मतलब बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ दाल मसाले सब अच्छे से डाल के भून दिए थे, थोड़ा सा खड़ा धनिया डाल देना तो टेस्ट बहुत अच्छा रहता है कढ़ी का। तो बस थोड़ा सा हम डाल दिए थे और इसी से चलाते रहें ताकि मतलब इसे गुठली टाइप का ना पड़े। और जो मैं अरबी का पत्ता बनाई थी लपेट के, वो भी थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल दिए हैं, बस थोड़ा सा नमक डालने के बाद। और यहाँ हो गया था रेडी, तो मैं रोटी भी बना ली हूँ और अभी थाली रेडी है, आप सब भी आके खा लीजिए। और ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। तो आप सब भी आके खा लीजिए, थाली रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।